आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। बुलंदशहर जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव बड़ोदा में एकत्र ग्रामीणों की इस पंचायत में दो दलितों को चाटे मार रहा है ये ग्राम प्रधान कुप्पर। दरअसल बड़ोदा गांव के ही रिंकू के खेत से किसी ने आलू खोदकर चोरी कर लिए थे, जिसके बाद 10 जनवरी को गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में बकायदा दलित ग्रामीण मोनू व राकेश पर आलू चोरी करने का आरोप लगाया गया, जिसका विरोध किया तो भरी पंचायत में ग्राम प्रधान ने दोनों दलितों को चाटे मारने शुरू कर दिए, जिसका किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पीड़ित दलितों की माने तो पंचायत में खुद को निर्दोष बताते रहे, मगर दबंग नहीं माने, पहले मुर्गा बनाकर सजा दी और फिर पिटाई कर डाली। पीड़ितों का दावा है कि न्याय व सुरक्षा को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटे, मगर अभी तक दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पेशे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव बड़ोदा में भरी पंचायत में दो युवकों को पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, इसमें क्या कार्रवाई की गई है? अब तक की तफ्तीश में सर क्या मामला निकलकर सामने आया है? देखिए, दिनांक 10/1 को, इसी महीने में 10 जनवरी को, एक सूचना IGRS के माध्यम से एक शिकायती पत्र मीनू नाम के व्यक्ति के द्वारा, जो बड़ौदा गांव का रहने वाला है और अनुसूचित जाति का है, उसके द्वारा मारपीट की एक सूचना दर्ज कराई गई थी IGRS में। उसकी जांच हमने कराई, जांच में पाया गया कि प्रेम जाट, मीनू और राकेश, जो दोनों अनुसूचित जाति के हैं, तीनों ने मिल करके गाँव के ही रिंकू कुमार नाम के व्यक्ति के आलू के खेत से एक बोरा आलू चोरी से निकाल लिए थे। इस पर गाँव में एक पंचायत बैठी थी। पंचायत में जब मामला सलटने की स्थिति में आया तो जो ग्राम प्रधान था उसने सलटाने के इरादे से एक एक थप्पड़ मीनू को और राकेश को पीटा था, इस बात की शिकायत की गई थी। लेकिन जब जांच करने के लिए टीम वहां पहुंची तो शिकायतकर्ता मीनू कुमार ने बताया कि मैं शिकायत कोई नहीं किया हूं, हमारे गाँव में एक A1 जाट नाम के व्यक्ति हैं जो आगामी प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने हमारी ओर से IGRS में प्रार्थना पत्र डाल दिया था और उन्हीं के माध्यम से एक वीडियो तैयार किया गया है और हमारा आपस में समझौता हो गया है। एक समझौता नामा भी, जिस पर 10-12 लोगों के हस्ताक्षर हैं, मीनू जो पीड़ित था कथित रूप से, उसके द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराया गया। फिर भी हमने इस मामले में प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है और संबंधित पक्षों को 151/716 के अंतर्गत पाबंद कराने के निर्देश दिए हैं।